हाय, मेरा नाम स्वीरी देवी गांगबम और मैं मणिपुर से हूँ और मैं अभी ओडिशा एफसी के लिए खेल रही हूँ और मेरा पोजीशन है एक सेंटर बैक। मैं सेंटर बैक खेलती हूँ। ओडिशा एफसी मैंने ज्वाइन किया क्योंकि ये एक बड़ा टीम है, मतलब जैसे कि आईएसएल मेंस टीम का टॉप टीम में से एक है और वो एक वुमेंस फुटबॉल मतलब पे भी इंटरेस्ट आ रहे हैं और वो हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं खेलने के लिए, वो क्लब प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे लिए, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो इनका प्रोजेक्ट है, वो जो विज़न है जो हमारे वुमेंस फुटबॉल के लेके, वो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और जो इनका प्रोजेक्ट है वो यही कि वो जो यंगस्टर है जो आने वाले जो फ्यूचर के लिए जो प्लान कर रहे हैं वो वुमेंस फुटबॉल के लेके, जो हमारे फ्यूचर को लेके, वो मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने और इस एफसी को ज्वाइन किया। जैसे कि मैंने बोला कि उन लोगों को यंगस्टर में इंटरेस्ट है क्योंकि बाद में जो फ्यूचर में होगा वो यंगस्टर के हाथ में, अभी तो अभी से जो प्लान कर रहे हैं वो लोग कि अभी ये जब यंगस्टर सब सारे से जो हमारे टीम मेंबर्स है प्लेयर्स है वो सब यंगस्टर है, मतलब कुछ प्लेयर को छोड़ के बहुत ज़्यादा लोग यंगस्टर प्लेयर है क्योंकि ये इनके प्लान है कि हमारे जो फ्यूचर में अगर यंगस्टर अभी से हम लोग बनाएगा, जैसे कि हम लोग का ये पिलर है हमारा, तो वो जो बाद में हमारे लिए आने वाला चीज़ और आने वाले कल में बहुत अच्छा मतलब बदलाव लाएगा हमारे वुमेंस फुटबॉल में। मेरा ये रोल है कि मैं जितना मैंने अभी तक खेला है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इन सबको मतलब जो मेरे टीममेट्स को शेयर करना और मेरा जो एक्सपीरियंस है उनको बताना कि मैं कैसे ऐसे मतलब सिचुएशन को क्या कैसे करना है, जितना मैंने अभी तक खेला है उनको जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस यही सब शेयर करूँगी और उनका ये गाइडलाइन करूँगी, जो यंगस्टर आए उनको भी गाइडलाइन करूँगी कि हम लोग ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर हम लोग को कैसा करना है, कैसा खेलना है, मतलब खेलने के बाद तो हम लोग कोचेस देखें जो ऐसा प्लेयर है ऐसा सीनियर प्लेयर और यंगस्टर को गाइड कर सकते हैं, वो मैं करने के लिए वो तैयार मतलब करूँगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि बस मैं ही नहीं, बहुत लोग को भी एक्साइटमेंट है कि ओडिशा एफसी का टीम देखने के लिए। एंड जो मैं जो अभी हमारा टीम है ओडब्ल्यू के बाद जितना हमारा बॉन्डिंग टीम बॉन्डिंग जो जितना हमारा टीम अच्छा बन रहा है, मेरे को उसी हिसाब से देखा जाए तो मैं और इस मतलब आईडब्ल्यू में मैं ऐसा टॉप टीम में देखना चाहती हूँ और चैम्पियन होना। जैसे कि वुमेंस फुटबॉल ग्रोथ हो रहा है, मतलब पहले जैसा था अभी नहीं, बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं वुमेंस फुटबॉल में, तो उस हिसाब से जो कंपटीशन भी बढ़ेगा, बाहर से लोग आए, बाहर से प्लेयर आएंगे, बस इंडिया के प्लेयर ही नहीं बाहर से बहुत सारे प्लेयर जो फॉरेनर्स आएंगे उनके साथ हम लोगों को कैसे खेलना है वो करना है, बहुत मतलब अभी टॉप लेवल में हम लोग का कॉम्पिटिशन चलने वाला है, तो उसी हिसाब से अभी से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अभी जो कैंप रह रहे हैं हम लोग, इसी वजह से हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा जब कंपटीशन के टाइम पे। कि यही है कि मैं बहुत हमेशा मैं सेम लोगों के साथ खेलती हूँ, सेम मतलब कभी नई लोगों के साथ नहीं खेली। अभी जो ओडिशा एफसी के टीम में सब नई न्यू फेसेस है, सब अलग मतलब जो मैं जो एक्सपीरियंस मतलब जितना मैंने जिस माहौल में रहती थी उससे बहुत अलग है, यहाँ पे सिचुएशन अलग है, तो उनके साथ खेलना उनके साथ रहने में मेरा ये एक्सपीरियंस में और ऐड करे जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए अच्छा है और मैं इसको लेके मैं आगे जाके मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा क्रिस्पिन सर जो हमारे कोच है क्योंकि वो उनका जो टेक्निकल और जो उनका मेंटलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, कि उसको मान इनकी जो मानना है कि जो डिसिप्लिन होना प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे प्रोफेशनल फुटबॉलर हम लोग को डिसिप्लिन रहना है और हमें अपना मतलब हार्डवर्क जो है वो बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग इस पोजिशन में पहुँच गए तो हम इधर पर ठीक है, तो हम लोग को और आगे का सोचने का वो पुश करता है, वो जो उसका मोटिवेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा।
सर का ये कि जो हार्ड वर्क करता है, कितना भी अच्छा प्लेयर हो, अगर हार्ड वर्क नहीं करेगा, अगर प्रैक्टिस में नहीं करेगा, तो वो उसको मतलब इतना अच्छा प्लेयर होने के बाद भी वो क्या बोलते हैं कि मैचेस में वो इन्वॉल्व नहीं करना चाहते. अगर इतना भी अच्छा प्लेयर होने के बाद भी अगर प्रैक्टिस में अगर टीम के साथ जो रहन सहन हमारा वो अगर अच्छा से बिहेव नहीं करेगा तो वो टीम में हम लोग को जैसे कि खेलने को अगर उनको हमारे दिमाग में ऐसे रहता है कि हम अच्छा प्लेयर तो हमेशा खेलेंगे. उनका मानना है कि कितना भी अच्छा प्लेयर हो हम लोग को हमेशा अपना मतलब यही करना कि प्रैक्टिस में हो या टीम के साथ रहने में हमेशा सब सब साथ में है, ऐसा कि डिफरेंसेस नहीं दिखाना चाहिए. अगर हार्डवर्क करेगा तभी हम फील्ड में आएंगे, अगर हार्डवर्क नहीं करेगा तो हम बाहर ही होंगे. तो मुझे ये इनका डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगा. थॉमस सर एक बहुत एक्सपीरियंस कोच है क्योंकि वो जहाँ से आए बिलोंग करते हैं वो बहुत मतलब ऐसा वुमेंस फुटबॉल वर्ल्ड के लिए वो टॉप कंट्री में से आए हैं, मतलब जो जहाँ से आए हैं, और वो बहुत सारे कंट्री के साथ खेल मतलब उनके साथ काम कर चुका है और उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है. और जो जो उसके पास जो एक्सपीरियंस हो हमारी धरा के वो हमारे साथ शेयर करना और हमारे साथ जो उसका टेक्निकल चीज़ों या ऐसा इवन द पर्सनल चीज़ें में वो जो ऐसा मदद करते हैं हम लोग को ऐसा फादर, तो लाइक उसके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ और उसके प्रैक्टिस सेशंस बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, अच्छा लगता है. और मैं बस इसके इनका एक्सपीरियंस मुझे हमारी इंडिया फुटबॉल मतलब जो हमारी वुमेंस टीम को बहुत हेल्प होता है. वो अभी बहुत सारा चीज़ें चेंज हुए हैं, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है भुवनेश्वर में फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 का जो हुआ है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि अभी वुमेंस फुटबॉल में सब फोकस आ रहा है तो अभी ग्रोथ हो रहा है और टूर्नामेंट्स वगैरह मतलब लीग वगैरह बेबी लीग से लेके अंडर 17 सब का लीग चल रहा है. तो हमारे लिए अभी पहले बोल सकता था कि हमारा को हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था खेलने के लिए, अभी ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी सब है. तो मैं जो एसोसिएशन कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और जो आगे जाके भी ऐसे करते रहे. और मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाहती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर जो आ रहे हैं उनको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा. ये अगर हम फुटबॉलर मतलब फुटबॉल में आए हैं तो प्रोफेशनली हम लोग को खेलना पड़ता है, ऐसे नहीं कि थोड़ा टाइम के लिए आया फिर मतलब पूरा टाइम के लिए अगर खेलना है तो पूरा फोकस पूरा लगा के फिर मन बना के कि हमें करना है करना है आगे जाके. तो इनके हाथ में भी है और जो भी ये टूर्नामेंट्स वगैरह हम लोग एक्सपोजर अगर ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा जैसे कि टॉप कंट्रीज़ वगैरह इनके साथ खेलेगा तो हम लोग को उसके हिसाब से मतलब पता चलेगा कि हम कितने में हैं और हम लोग को क्या और करना है, क्या बाकी है हमारे पे, तो हम उसी से आइडेंटिफाई होता है कि हम कैसे करना है. मैंने बहुत सुना है कि ओडिशा एफसी का फैंस लोग बहुत सपोर्ट करते हैं ओडिशा एफसी को मेंस टीम को, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे वुमेंस टीम को भी सपोर्ट करें, इतना ही प्यार दें, इतना ही सपोर्ट दें जितना मेंस टीम को देते हैं. एंड हमारे सारे मैचेस देखिए, अगर कुछ भी हम लोग का वो होगा सब मैचेस देखिए और आइए हमसे मिलने और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और प्यार करते रहे. थैंक यू.